7th. I know it's too early, but ये vlog जो है बहुत पहले आना चाहिए था. तो ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग जो है ये स्कॉटलैंड के ऊपर है. मोहित, मैं और अमन, हम दोनों स्कॉटलैंड गए थे. दिस व्लॉग शुड हैव बीन अपलोडेड समवेयर इन जून, बट हार्ड डिस्क अपलोड होने की वजह से मैं नहीं कर पाया था. अभी मैंने कल रात को हार्ड डिस्क लगाई कंप्यूटर में और हार्ड डिस्क केम टू लाइफ. सो आई वाज लाइक सर्च करते हैं वीडियोज, उसमें मेरे को ये वीडियो मिली, सारी क्लिप्स मिली स्कॉटलैंड की. तो मैंने अब आपको दिखाना है स्कॉटलैंड अपनी आंखों से, और बहुत कुछ करा, मैनचेस्टर गए, बहुत चीज़ें करी हैं, वो अब आपको देखने को मिलेगा. इंजॉय करना और कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी. पहले मैं आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड जाने का प्लान था सिर्फ मेरा. मोहित जाना नहीं चाहता था बिल्कुल भी, अमन भी नहीं जाना चाहता था, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा है. डीजल है 1.34 pence, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट. हम भर रहे हैं पेट्रोल, फर्स्ट वर्ल्ड सॉल्ट कुछ नहीं है ये. अभी हम यहाँ से निकल रहे थे, हमें लगा टंकी रिजर्व पे लगी तो लगा लिया. पहला टोल ब्रिज आ चुका है. देखो इंडिया में बंदे खड़े होते हैं, मैंने एक इंसिडेंट देखा था वहाँ पे, शूट कर दिया था किसी को. यहाँ पे देखो ओनली मशीन पेमेंट है, यहाँ पे कोई बंदे नहीं होते. यस, सो नंबर वन, और हम आ गए हैं ऑल्टन टावर्स में. ऑल्टन टावर्स में अगर आपको जाना है तो सीधे नहीं जा सकते हो, आपको ट्रेन लेके जाएगी. अमेजिंग है, आपको जाना पड़ेगा. इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल एडवेंचरस पार्क. अब हम ऑल्टन टावर से निकलेंगे टूवर्ड्स लेक डिस्ट्रिक्ट. स्टे करने का प्लान है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, बट प्लान यही है कि यहाँ से जाएंगे लेक डिस्ट्रिक्ट और वहाँ से आगे जाएंगे. ज़्यादा जगहों के नाम मेरे को भी नहीं पता. आई एम गोना रिज्यूम द जर्नी नाउ. जाना था हमें लेक डिस्ट्रिक्ट ऑल्टन टावर से, और वहाँ से हमें जाना था आगे स्कॉटलैंड. बट हम तीनों ने वैसे ही मस्ती मस्ती में, मैंने बोला मैनचेस्टर का बोर्ड आ रहा है यार चलते हैं, मोहित ने बोला दूर है, बट फिर मान गया. वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड. यस, मैं इतना फुटबॉल को फॉलो नहीं करता हूँ. थिंक वेदर अभी होगा 8 degrees के आसपास, और बारिश हुई, धूप हुई, बारिश हुई, धूप हुई, फिर बारिश होती 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 गई, अभी धूप है. मैनचेस्टर में है और मैनचेस्टर यूनाइटेड द फेमस फुटबॉल अरिना इज राइट बिहाइंड अस हियर. ये देखो अभी लिखा हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड. बहुत शांत लग रही है अभी मेरे को सिटी, बहुत ज़्यादा, मतलब लंदन और मैनचेस्टर का कोई कंपैरिजन नहीं है. अभी पीछे ही यहीं पर, मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है वो यहीं पर है. इंडिया पाकिस्तान का मैच वहीं हुआ था जहाँ पर इंडिया जीती थी, तो ये वही सिटी है मैनचेस्टर. मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्टेडियम था वो अमेजिंग था. ये बिल्कुल ही मत सोचना कि संडे था या कोई वीकेंड था या लॉन्ग वीकेंड था इसलिए लोग नहीं है, यहाँ लोग थे ही नहीं यार. तो प्लान ये था कि मैनचेस्टर सिटी से हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स लेक डिस्ट्रिक्ट. होटल सब बुक करे थे, बट जीपीएस ने राइट अवे बोला था कि भाई ये एड्रेस नहीं है. व्लॉगिंग भेज, पहले देख ले रास्ता. भाई खो गए हम, भाई डेड एंड पे पहुंच गए हम. रुक जा देखो, उतरने में दोनों उतरते हैं. आ जा यार. ये जो भी हमने शॉट देखा है, लिटरली आई वाज ड्राइविंग इट और खड जैसा था, खड़ी गाड़ी, बस थोड़ी दूर आगे ब्रिज था और पानी था, मैंने वहां गाड़ी रोकी.
जल्दी करेगा भाई। ये क्या पड़ा है मोहित? लिटरली ये जो शीप थी एकदम से उनकी आंखें बहुत ज्यादा चमक रही थी, ठीक है, तो हमें ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बैठा है। थोड़ी पास गए तो हमें दिखाई दिया कि शीप है। अरे बहुत सारी शीप्स है, चल वो उठेंगे अपने आप। शीप्स हैं। हम लोगों ने क्यों जीपीएस को इग्नोर करके हम रोड पे निकल गए। ये तीन घंटे हमने खराब करे हैं। ऑनेस्टली कोई बंदा नहीं और वहां पे अंदर कोई लोग नहीं, कोई गाड़ी नहीं, इतनी छोटी सी नैरो सी लेन, हमने हाईवे जीपीएस को इग्नोर करते हुए बोर्ड फॉलो करे और हम पहुंचे हाईवे 862 समथिंग। होटल तो हमें नहीं मिला। फिर हमने जो बैकपैकर्स होते हैं वो हमेशा 35 पाउंड्स पर हेड पड़ा था, हमने वो करा और कोई हॉर्स होटल, ब्लैक हॉर्स समथिंग बैकपैकर्स वाली जगह थी, वहां पे हमने नाइट स्पेंड करी। हम अगले दिन उठे, नाश्ता वास्ता करा, कॉफी वॉफी पी अपनी जो भी लेना था, उसके बाद हम निकले टूवर्ड्स लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि नेम आपको पता लग रहा है, नाम से आपको पता लग रहा है लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल जगह हैं, बुक्स पढ़ सकते हो अगर जा रहे हो। हम अच्छे से तो नहीं घूम पाए क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी, घूम पाए इट वॉज नाइस। और लेक डिस्ट्रिक्ट से जो हमने ड्राइव करी है टूवर्ड्स एडिनब्रा स्कॉटलैंड, अमेजिंग। वो जो विंड पंखुड़ियाँ जो है, विंड मिल्स बोलते क्या बोलते हैं भाई, मज़ा आ गया देख के, अमेजिंग है। तो एडिनब्रा कासल मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड की जान है, और अगर आप एडिनब्रा कासल जा रहे हो तो टूर करके जाना, बस करके जाना। पार्किंग इज सुपर डुपर एक्सपेंसिव, 30 पाउंड या 40 पाउंड की पार्किंग, आई थिंक 30 पाउंड्स या फॉर 2 आवर्स। एडिनब्रा कासल में हम आ चुके हैं। आई डोंट नो कैमरा जाने देंगे अंदर के नहीं, थक गए थे थोड़े से, गंदे हो गए थे बैठे बैठे, मेरे को लगा एडिनब्रा कासल जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े तो पहने, तो हमने कपड़े दोबारा चेंज कर लिए थे। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, दिस इज द टिकट काउंटर फॉर द कासल, और टिकट है 19 पाउंड 50 सेंट। किसका है, किसने पहनना है? हां तो मेरा है, पहन लो, एक लिए रख दूं। ये बता रहा था कि अभी मैं फायर करने वाला हूँ 12 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास ये फायर करते हैं, और हमें समझ नहीं आया, हम उधर को चले गए। फिर जब हम उधर को गए तो ये बात आई, ठा गोली चलती है तुम जैन के लोड़े, तो हम भागे उसको देखने के लिए। ये जो घोड़ा आपके पीछे दिखाई दे रहा है, ये इसलिए यहाँ पे लगाया गया है क्योंकि इसके बाद 1918 में लास्ट घोड़े वॉर में यूज करे गए थे, उसके बाद बंद कर दिया गया था। अबे दिस इज जस्ट अ मॉडल बताने के लिए कि यहाँ से ऐसे तोप चलती थी। एडिनब्रा कासल बेसिकली किला टाइप है, अंदर उन्होंने अपने अपने कल्चर को दिखाया है, लोगों को दिखाया कैसे लोग रहते थे उस टाइम में, कैसे तोपे चलती थी, बेसिकली हर रूम में अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड की बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है, तो क्या क्या हुआ था
वो सब आपको कासल में दिखाई देगा। अब हम जा रहे हैं प्रिजंस, क्या है ऐसा लग रहा है जेल वेल होंगी, देखते हैं अंदर है क्या। जो आप डोर देख रहे हो बेसिकली यहाँ पे जब प्रिजनर्स को कैद करा गया था तो उन्होंने स्क्रिबल करा था। सेलर्स पकड़े थे क्या? भाई कैसी जगह है, बंद बंद। ये जो है इन्होंने बनाया हुआ है, एक मॉडल सा बनाया हुआ है हमें दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अपनी हिस्ट्री के। लोग जो जब यहाँ कैद करे गए थे प्रिजनर्स तो वो क्या खाते थे, सब कुछ जैसा कि वीडियो में बोला गया चिपका हुआ है, आप निकाल नहीं सकते और निकालने की ट्राई भी मत करना प्लीज। ये सही लगा, कपड़े वपड़े देख कैसे सुखा रखे ऊपर, उन्होंने ऊपर कपड़े लगा रखे हैं। कपड़े बेचारे जब यहाँ पे प्रिजनर्स थे वो ऐसे ऊपर रस्सियों पे अपने कपड़े सुखाते थे, कुछ बहुत अच्छा है। बट यहाँ स्मेल बहुत ज्यादा थी, सीलन वाली स्मेल थी। ये उठा सकते हैं, चल लगा जोर तोड़ दे। अबे मत करो जल्दी भागो जल्दी, 10 मिनट रह गए हैं, लग जाएंगे और 7 पाउंड। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप स्कॉटलैंड जा रहे हो, अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तभी ड्राइव करके जाना, फ्लाइट बहुत चीप है, सस्ती हैं। दूसरी बात है स्कॉटलैंड तक कहानी खत्म नहीं होती है, स्कॉटलैंड से ऊपर हाईलैंड्स है जो बोलते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दैट। हमें 2-2.5 दिन लगे आना जाना करना इतना सब कुछ घूमने में। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता लगेगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, व्लॉग में, तो तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हेल्दी खाओ, मस्ती करो, बाय बाय, टेक केयर।